हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं जो सी का फॉर्म फिलअप है उसका सिलसिला में क्या प्रोग्रेस हुआ है और क्या त्रुटि हो रही है, मीन्स क्या गलतियां स्टूडेंट सब कर रहे हैं, और मेडिकल एजुकेशन की तरफ से वेबसाइट पर क्या प्रॉब्लमें देखने की मिल रही है, मीन्स मेडिकल एजुकेशन उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सोल्व नहीं हो पा रहा है। वो सारे चीज़ें मैं आपको अपडेट कराऊंगा। अगर आप नेपलीज या कोई भी फॉरेन स्टूडेंट्स, अगर आप इंडियन भी हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप यहाँ की कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स या मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन MSc BL 2023 में देने की सोच रहे हो या उसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि नेपाल में MBBS करने के लिए या कोई भी मेडिकल पढ़ाई करने के लिए नेपाल की जो मेडिकल एजुकेशन की जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फॉर्म आई है वो फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी बन जाता है। ये माइंड आपको क्लियरली ये पता होना चाहिए कि फॉर्म जो फिलअप करना है वो 100% मैंडेटरी है। दूसरा आते हैं कि अगर जो नेपलीज बच्चे के परस्पेक्टिव से मैं पहले बात करूंगा, उसके बाद फॉरेन का बात करूंगा, तो जो भी नेपलीज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या गलती कर रहे हैं इसमें फॉर्म फिलअप में। तो देखिए, आपको मेजरली जो देखना है अपना करेक्ट होना है, जो मस्ट इम्पोर्टेंट आपकी करेक्ट होना चाहिए वो आपकी नाम होना चाहिए फॉर्म में, वो आप 3-4 बार देखें वो एक अनुभव। उसके बाद आपका कहने का मतलब कि पेरेंट्स नेम, फादर नेम्स करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको जो सिटीजनशिप पर नंबर है वो मस्ट इम्पोर्टेंट करेक्ट होना चाहिए। दूसरे की आपकी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट और जो कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। तीसरे में आपकी कहने का मतलब कि जो वो बोर्ड में कितना नंबर आया है, परसेंटेज आया है, सिंबल नंबर आपको करेक्ट होना चाहिए। और बाकी चीज़ें सारे चीज़ें आप करेक्ट रखें, लेकिन ये सारी चीज़ें आप मस्ट इम्पोर्टेंटली चेकआउट करें। उसी तरह से आते हैं नेशनल जो राष्ट्रीय परिचय पत्र नंबर है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तो वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। काफ़ी दिनों से मेडिकल एजुकेशन ने अपने फेसबुक पेज पर उसे पिन करके रखा है और मैंने भी अपने बहुत सारे वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ कि राष्ट्रीय परिचय पत्र इज मस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें आते हैं कि राष्ट्रीय परिचय पत्र अभी नहीं बनाया है तो आप अपने लोकल लेवल पर वार्ड से बना सकते हो, आप CDO ऑफिस से बना सकते हो, या काठमांडू में अगर हो आप तो काठमांडू में भी बना सकते हो। और यहाँ पर इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है, वो चेकआउट कर सकते हैं BBS नेपाल प्लेलिस्ट में से। उसके बाद आते हैं कि जो राष्ट्रीय परिचय पत्र के जारी मिति होता है क्या, तो देखो राष्ट्रीय परिचय पत्र के जो यहाँ पर इशू डेट जो आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त मांग रहा है वो राष्ट्रीय परिचय पत्र की नहीं है, इशू डेट वो राष्ट्रीय परिचय पत्र का नहीं है, वो जो है कहने मतलब सिटीजनशिप का है। आप सिटीजनशिप का जो जारी मिति है वो रखिए, इशू डेट रखिए। वहाँ पर आपको कहीं भी राष्ट्रीय परिचय पत्र का आप जो PDF दिया गया है वहाँ पर देखिए कहीं भी जारी मिति नहीं लिखा है कि आपको जारी किस दिन से किया जा रहा है, तो वहाँ पर आप वो जारी इशू डेट आप सिटीजनशिप वाला रखें। उस तरह से नेक्स्ट में चलते हैं। आपको नेक्स्ट में क्या है डिफिकल्टी देखने का कि कैटेगरी का, जैसे रिजर्वेशन का, तो देखिए आप जो रिजर्वेशन में सिलेक्ट कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट आपको ऑटोमेटिकली नीचे मांग रहा है, वो नीचे आप देखें। एक और वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन ने अपडेट किया है कि आप बोर्ड में सेलेक्ट कर रहे हो, मीन्स स्कूल में तो गवर्नमेंट मांग रहा है और आपको प्राइवेट मांग रहा है, उसी तरह से बोर्ड में भी आपको सेलेक्ट का बहुत सारा ऑप्शन देगा, NEB बोर्ड, उसी तरह से आपका अदर देन NEB, ये सारी चीज़ें वहां पर आपको शो आउट हो रहा है। अब पेमेंट में दिकदारी हो रही है, तो पेमेंट में अगर आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हो तो कोई दिकदारी नहीं है। कभी कभी ऑफलाइन में भी जो बैंक की सर्वर है वो स्लो डाउन हो जाता है, कभी कभी काम नहीं करता है, लेकिन आपको थोड़ा देर वेट करने के बाद वो मिल जाएगा वहाँ पर ऑफलाइन में, नो प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ऑफलाइन में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर अपना जो इंडियन नंबर है वो नहीं डाल सकते हैं, उनको नेपाली नंबर को अरेंज करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम हुई। उस तरह से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है किसी भी ई सेवा, खलती, कनेक्ट IPS या कार्ड के मार्फत, चारों में से किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर रहे हो ऑनलाइन पेमेंट के लिए, तो आपको मेडिकल एजुकेशन की पोर्टल पर जाना 100% कंपलसरी है। आप अगर वो पोर्टल पर नहीं जाना चाह रहे हो तो आप पॉपुलर सर्विसेज में भी जाकर, जैसे खलती हो गई, सेवा हो गई, पॉपुलर सर्विसेज या कनेक्ट IPS में भी जाकर आप वहाँ से भी करते हो क्लिक, तो आपको फाइनली रिडायरेक्ट उसके पोर्टल पर किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पोर्टल को कंपलसरी बनाया गया है ताकि वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से रखे, नहीं तो पहले आप ECY से पे करते थे तो वहाँ पर आपको सिर्फ नंबर रखना होता था, अपना नाम रखना होता था, हो गई, और फॉरेन नेपली सेलेक्ट करना होता था, उस अनुसार से पैसे कट लेता था। अब वो सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई कर आपको पोर्टल पर जाना कंपलसरी बना दिया दोनों तरह से।
तो ऑनलाइन जो पेमेंट है उसमें नेटफ्लिक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन को प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। और इंडियन के लिए ये भी क्वेरी सुना गया है इंडियन बच्चे से की तरह से कि व्हिच बैंक इज द बेस्ट फॉर ऑनलाइन पेमेंट। तो देखिए सारे बैंक सपोर्टेड है, आप किसी भी बैंक के कार्ड है डायरेक्ट आप इंडिया से पे कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कार्ड पेमेंट, या आपने बैंक में जाओ और स्विफ्ट कोड के द्वारा वहां से ट्रांसफर कराओ। तो मेरे हिसाब से कार्ड पेमेंट इज द गुड ऑप्शन, और आप कार्ड पेमेंट ट्राई कर सकते हो और कार्ड पेमेंट से कर सकते हो। अगर आपको दिकदारी हो रही है तो आप अपने नेपाल के जो रिलेटिव है उन लोग से इंक्वायरी आउट कर सकते हो, उन लोग से रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हो। अब नेक्स्ट में आते हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट्स लोग हैं और नेपाली जो स्टूडेंट्स का है, तो अगर वो सारी चीज़ें एग्जाम करते हैं और फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो फॉर्म फिलअप में आपको जो फिलअप की प्रोसेस है वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक वहां पर ट्रांसक्रिप्ट है जो 12 क्लास की मार्कशीट से इक्वेलेंट होता है, तो वहां पर आपको वो सिर्फ आपका फाइल नेम शो होगा, तो वो फाइल नेम आप रीनेम कर लो अगर आप वहां पर हो। तो अगर आप इंडियन हो तो क्लास 12 मार्कशीट लिख सकते हो, आप नेपाली हो तो वहां पर ट्वेल्व ट्रांसक्रिप्ट लिख सकते हो, ताकि आपको वहां पर नाम पता चले आपकी वही फाइल आ रही है वहां पर अपलोड हो रही है, तो वो चीजें हो गई। उसके बाद अगर कोई बच्चा नेपलीजी है इंडिया से पढ़ाई किया है और उसका 10 एंड 12 इक्विवेलेंट है, तो 10 में इक्विवेलेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मार्कशीट रख सकता है। और 12 में उनको मार्कशीट एंड इक्विवेलेंट को एक एज ए पीडीएफ बनाकर वहां पर अपलोड कर सकता है, पीडीएफ वहां पर सपोर्टेड है। उसके बाद आते हैं सारे चीज आप फॉर्म फिलअप कर लेते हो, तो मैंने काफी सारे बच्चे को फॉर्म में देखा कि जब सेव कर रहे हैं तो फंक्शन दिस एंड दैट आ रहा है, सिर्फ इरर का ऑप्शन आ रहा है वहां पर। तो एक्चुअली में वो कुछ नहीं है, मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट की प्रॉब्लम है और उनका सर्वर की प्रॉब्लम है। तो वहां पर आपको मीन्स कुछ दो तीन या 1-2 मिनट के बाद रिट्राई करना है सारे, वो कुछ नहीं करना है, वो ब्राउजर को ओपन रखना है और फिर वहां पर सेव पर क्लिक करना है 1-2 मिनट के इंटरवल पर। तो 2-3 बार आप ट्राई करोगे तो वो सेव हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं कि अगर आप सेव कर लिया तो सबमिट में कुछ उतना खास प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी दिखा जा रहा है जैसे कि उसे ही, तो आप 2-3 बार ट्राई करो सेव करने के लिए भी, तो आपको सेव हो जाएगा। मीन्स सेव हो गई तो सेव के बाद सबमिट भी हो जाएगा, उसी तरह से ट्राई करो। उसके बाद आते हैं कि फाइनली जो डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पेज है, तो डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पेज में कोई भी इशू नहीं है नेपाली बच्चे के लिए, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वहीं पर फॉरेन बच्चे जो है उन लोग का डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पेज में हो ही नहीं रहा है, उनका जब भी शो करेगा इरर इन डाउनलोडिंग या प्रिपेयरिंग कॉन्फ़िगरेशन पेज का कराएगा, तो उनका जो है कहने का मतलब कि अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हुआ है, और जल्द से जल्द ये मेडिकल एजुकेशन के पास पुगेगा बात, हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने यह अभी तक जो बात ही हुई है कहने का मतलब कि ये डिस्कशन की तौर पर हमारे टीम के साथ, तो उन्होंने बताया है कि जो जल्द से जल्द मेडिकल एजुकेशन कोशिश करनेगा सॉल्व आउट करने के लिए। तो ये चीज़ें मेडिकल एजुकेशन को गौर करना चाहिए कि फॉरेन के लिए भी थोड़ा सिंप्लीफाई प्रोसेस करना चाहिए, उन लोग को भी डाउनलोडिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है तो उन लोग को भी सॉल्व आउट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहा, और यहाँ तक आपको मैं फाइनली आप डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पेज कर ले रहे हो तो वेरिफिकेशन ऑन गोइंग आपको शो आउट कर रहा है करेंट स्टेटस में। तो वेरिफिकेशन ऑन गोइंग करने का मतलब ये हो गई कि आपकी फॉर्म जो मेडिकल एजुकेशन की टीम है, मेडिकल एजुकेशन की जो ऑफिसर लोग हैं वो आपका फॉर्म मैनुअली वेरीफाई करेंगे, और उन्होंने तो मेरे हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन तो वो लोग नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि उन लोग का एक ट्रेंड बनाए होंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मैंडेटरी देखना है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो लोग मैनुअली चेकआउट करते हैं। उसके स्पेशली जो ट्रांसक्रिप्ट हो गई, उसके बाद नाम, सिटीजनशिप, डॉक्यूमेंट सब जो है, डॉक्यूमेंट पुगा है कि नहीं, डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है वो लोग देखेंगे। उसके बाद आपको फाइनली अपडेट कराया जाता है आपका स्टेटस में, मीन्स करेंट वेरिफिकेशन ऑन गोइंग से आपका अप्रूव कर दिया जाता है। जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो आपको ये समझना है कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो भी था वो बिल्कुल सही है। जब तक आपकी फॉर्म अप्रूव नहीं होती है तब तक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फॉर्म को जो स्टेटस है चेक योर स्टेटस के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं कि मेरे फॉर्म के स्टेटस क्या है, और डेली चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई अभी फॉर्म फिलअप का काम जा रहा है प्रोग्रेस में है। तो आप कहने का मतलब कि आज वीक में 2 बार चेक कर सकते हो, ज़्यादा नहीं चेक करने की ज़रूरत है अभी फिलहाल में, और आप अपना ईमेल एंड मोबाइल नंबर जो प्रोवाइड किए हो उससे आपको चेकआउट करना है एज अ वीक में 2 दिन। जैसे जैसे फॉर्म का डेडलाइन खत्म होगा
तो उस ऐसे एग्जाम का एडमिट कार्ड का आने का शुरुआत होगा उस टाइम आपको डेली चेक करने की जरूरत होता है, क्योंकि अगर कुछ चीजें मिसिंग हुई तो आपको इमिडिएटली वहां पर रखना होता है। तो इसी चीजें रहा सिक्योर स्टेटस। अब सिक्योर स्टेटस में जो सिक्योरिटी कोड मांग रहा था वो भी हट गया है, मेडिकल एजुकेशन ले हमारी बातें सुन ली है और वो चीजें हुई। उसके बाद आपको फिर मेडिकल एजुकेशन के लिए इसलिए थैंक्स बोलना चाहिए। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि अब जब आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है तो भी आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि एग्जाम के 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, जो बच्चा एग्जाम में अपेयर होने वाले होते हैं वो 5 दिन पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और दी गई इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो अपना सेंटर और अपना सिटी जो है, मतलब एग्जाम सेंटर की, वो सिर्फ काठमांडू है, लेकिन जो सेंटर है वो डिफरेंट प्लेसेस ऑफ काठमांडू होगा, बहुत सारे स्कूल में होगा, तो वो अपने सेंटर पर विजिट आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कैसे है। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि मेडिकल एजुकेशन की जो इतना हो गई, तो उसके बाद जो बच्चा डायरेक्ट नीट पर अप्लाई किया है मीन सेकेंड ऑप्शन से, उनको एग्जाम की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम वो लोग बाद में दे सकते हैं, एग्जाम की उन लोग का जरूरत नहीं है। तो जो बच्चा एग्जाम दिया उन लोग का रिजल्ट आता है, जो जिसका रिजल्ट आएगा उसमें कनेक्ट मतलब कि जो नेपलीज स्टूडेंट एंड प्लस फॉरनर होगा, तो जो बच्चा फॉरेन में जो एग्जाम दिया है और नेपलीज का जो स्कॉलरशिप का होल्डर होगा उन लोग का काउंसलिंग फर्स्ट ही में होता है, और जब जो फॉरेन एग्जाम दिया है और स्कॉलरशिप अलॉट हो जाता है तो उसके बाद आपका फिर से एक बार जो फॉरेन का कैटेगरी का जो डायरेक्ट नीट पर अप्लाई किए होते हैं उन लोग का होता है मीन सेकेंड ऑप्शन से गए होते हैं उन लोग का होता है यहाँ पर काउंसलिंग। उसके बाद आपका फिर कहने मतलब कि जो भी नेपलीज बच्चे पेन कैटेगरी में पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं या पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं उन लोग का बच्चे का यहाँ पर सेकेंड राउंड की या थर्ड राउंड बोला जाए, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में शुरू होता है, लेकिन वहाँ से पेन की फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड एंड फिफ्थ राउंड तक शुरू होता है, चलता चलता है। तो ये रहा फाइनली प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस में मैंने सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, और वेरिफिकेशन ऑन गोइंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको हो रहा है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कमिंग डेज में आपका हो जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे।